जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है कि अभी जो मूवी आने वाली है कल की, उस मूवी के अंदर जो प्रभास होने वाले हैं वो कल की अवतार नहीं है। अब इस चीज को दो चीजें कंफर्म करती है। सबसे पहला ये कि अगर वो कल की होते तो अपने शास्त्रों पुराणों के हिसाब से उनको नीले या फिर व्हाइट अश्व पे घूमना चाहिए था, ना कि भाई ब्लैक कलर की कार के अंदर। और दूसरा ये कि भाई उसका नाम कल की होना चाहिए था, ना कि भैरवा। लेकिन भाई मेरी बातें वहां पे थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है कि अगर कल की फिक्शन मूवी ही है तो फिर उसमें अश्वत्थामा का रोल क्या है। देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ तो हुआ है, पर ग्रहियों का हमला हुआ है, या फिर मानव परीक्षण हुए हैं, या फिर परमाणु बम के परीक्षण हुए हैं, कुदरती आफत कुछ भी व्हाटएवर, जिसने कि भाई धरती को रेगिस्तान के अंदर परिवर्तित कर दिया है। पूरी धरती बंजर बन गई है और पानी का एक बूंद तक नहीं है इस धरती पे। इस मरुस्थल में लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, और जो तानाशाहियों के नीचे गरीब लोग काम किया करते हैं वो तानाशाही इनको खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी देते हैं। जावे भाई मेरा ये मानना है कि इस मूवी के अंदर पानी की कीमत सोने से भी ज्यादा होगी, क्योंकि एक गरीब को हम देख सकते हैं कि उसके हाथ में भगवान की सोने की मूर्ति है। हालांकि ये कुछ भी हो सकता है भाई, उसको मिट्टी में भी मिली हो मूर्ति या फिर कहीं से भी मिली हो सकती है, लेकिन ये सपोज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि भाई जब इंसान ही नहीं बचेगा तो वो सोने का क्या करेगा। जहाँ पे भाई जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत भी ज्ञान और विज्ञान बचा हुआ है, उन लोगों ने अपने लिए एक कवच बना दिया है, और ये कवच अपने शरीर के अंदर से एक बूंद पानी को भी जाया नहीं होने देता है। बिल्कुल ड्यून मूवी की तरह वो अपने ही पानी को वापिस से फिल्टर कर देता है। उसके बाद में आएंगे भाई 150 करोड़ के मसीहा, जो कि लोगों को होप देंगे, उनको चढ़ाएंगे कि भाई पानी पे हमारा अधिकार है, न्याय के खिलाफ मतलब अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाता है, और भाई तानाशाहियों को पेलेगा और पानी निकालेगा। और जो प्रभास जैसे लोग है इस मूवी के अंदर, वो अपना घर गुजरान चलाने के लिए कोई कीमती चीजों को इकट्ठा करते हैं, या फिर पैसों के बदले में किसी को भी रामपुरी से यमपुरी पहुंचाने का काम किया करते हैं, सुपारी लेते हैं बेसिकली। और तीसरे पहलू में वो लोग आते हैं जिनके पास भरपूर पानी का भंडार है, वो लोग पानी के बदले में गरीबों से काम करवाते हैं, और अगर कोई ज्यादा बकलोली करता है तो उसके शरीर का पानी निकाल के उसको मार के उसका पानी भी अपने स्रोत में इकट्ठा कर लेते हैं। वहीं पे अपने दीपिका, जो अमीर लोग के नीचे फोर्स काम करती है, उनका एक हिस्सा है, लेकिन उसको अपने काम से बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पे लोगों को मारना पड़ता है, तड़पाना पड़ता है, इसलिए वो उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो वो फिर एक दिन प्रभास से मिलती है और ये दोनों मिलकर एक कंपनी स्टार्ट करते हैं जो कि अमीरों के खिलाफ जंग छेड़ने का काम करती है। जिस कंपनी का मानना यह है कि जल के ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं होता है, इनकी कंपनी में लोग जुड़ते जाते हैं जो कि अमीरों को मारते हैं पानी के लिए और उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। लेकिन भाई इस कहानी में भी एक प्रॉब्लम है कि फिर अश्वत्थामा का क्या रोल है इस कहानी के अंदर। तो मे भी हो सकता है कि अश्वत्थामा हमको एकदम चरम पे दिखाया जाए, जहाँ पे भाई दीपिका, प्रभास या फिर दिशा से किसी से भी मामला नहीं सुलट रहा है, तब अश्वत्थामा आएंगे और तख्त पलट कर देंगे। कहानी में भाई एक छोटा सा ट्विस्ट ऐड कर देते हैं कि अभी जो नया वीडियो आया है उसके अंदर एक ऊर्जा का स्रोत हमको दिखाया जाता है, और हो ना हो इसका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है पानी के साथ में, इससे मतलब हम पर्याप्त मात्रा में पानी ला सकते हैं वगैरह, कुछ भी हो सकता है। मेरे हिसाब से जो कल की मूवी की कहानी है वो ऊर्जा स्रोत और पानी के आसपास ही घूमती हुई देखने को मिलेगी हमको। ये भाई मेरा अजम्पशन है, मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि मार्केट में अभी तक इसके रिलेटेड एक ट्रेलर आया है और बाकी के अनाउंसमेंट वीडियो आई है, कुछ फिक्स ऐसी चीजें नहीं आई है जिसके बेसिस पे हम लोग कह सके कि हाँ इसी पे ही कहानी बेस होने वाली है। ताकि इसका VFX और CGI बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, ट्रेलर का तो इतना कुछ खास नहीं लगा था मेरे को, लेकिन जो अभी वीडियो आया है नया वाला, उसके अंदर काफी प्रॉमिसिंग चीजें हमको देने का वादा किया गया है, और अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो ये भाई एक हिट मूवी रहेगी, क्योंकि भाई इन लोगों ने जैसा भी VFX CGI क्रिएट किया है ना भाई, 700 करोड़ में ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। कैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में बात की थी, आप लोग जाके देख सकते हो, जिसके अंदर हमने बात की थी कि कैसे ऐसी मूवीज जो होती है उनके अंदर मिनिमम बजट हमको चाहिए होता है 1400 से 1500। तो चलो भाई लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। 3 दिन के बाद पंचायत का सीजन 3 आ रहा है, लोगों ने तो अभी से लॉकडाउन घोषित कर दिया है, कैसे ये वीडियो में देख लेना आप लोग, यहाँ पे लगा दूंगा मैं। आज के लिए इतना ही ज्ञान, अगर वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब का सोच लिया करो, सिर्फ एक के करवा दो यार, प्लीज करवा दो यार, मेरे को भरोसा है आप करवा दोगे।